मैंने पहले भी कहा है कि आप दिखा दीजिए, यहाँ का माहौल ख़राब नहीं कीजिए। अगर बांग्लादेश घुसपैठ आपको नज़र आता है तो आपको पहले होम मिनिस्टर से बात करना चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है आपका, उनसे बातें करनी चाहिए, आपकी सुरक्षा बल क्या कर रहा है उनसे बातें करनी चाहिए। अब हमारा झारखंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सीएम साहब सबका काम हो रहा है, जिससे भाजपा को खुजली हो रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखिए हमें तो लगता है 5 साल जब रघुवर दास की सरकार थी, आज तक जो वेलकम आप देख रहे हैं लगातार यहाँ वेलकम होता है प्रोजेक्ट भवन में, सारे वर्क को खुश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन नौकरियां ले रहे हैं। पांचों जो पूर्व मंत्री और विधायकों पे आज पीई का आदेश दे दिया। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको दिखाता हूँ क्या है, क्या निर्णय लिया गया। पहले पढ़ के रणधीर आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर सकता है, आपको ऐसा लगता है? बावरी जी कर सकते हैं, नीलकंठ जी कर सकते हैं, लुइस जी कर सकते हैं, यही हम जानना चाह रहे हैं। तो सरकार ने जब एक्शन लिया है तो कुछ ना कुछ सच्चा सत्ता होगा, उसमें सच्चाई होगी, लेकिन अब देखते हैं, अभी पूरा मामला को देखते हैं उसके बाद। ऐसा नहीं ना कि ईडी से परेशान हो रहे हैं तो आप लोग परेशान कीजिएगा, रिवेंज बदला इस टाइप का, क्योंकि हमारी सरकार बदलने की भावना से काम नहीं करती है। एक आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है तो उसमें सबका समावेश है और हम लोग सबको लेकर चलने पर विश्वास करते हैं। जो मामला जो आप बातें आप हमसे पूछ रहे हैं तो मुझे समय दीजिए, मैं देख लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। सरकार बनेगी तब ना लागू होगा। बाबूलाल मरांडी जी पहले अपने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पहले लड़ तो ले, तब ना जनता से लड़िएगा। जनता कहाँ से वोट देगी, आप जनता का सम्मान ही आप लोगों ने नहीं किया। तो बोल रहे कि सरकार में आप देख लीजिए, अब बोरिया विस्तार पब्लिक में बांधेगा, अब किसका बांधेगा देख लीजिएगा। आप पहले ये भाजपा के नेता कम से कम शहर से गांव तक तो जाए पहले, आप बताइए। सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है भाजपा, आदिवासी क्या वोट देगा क्या, आप पूछिए ना। जैसा 1-2% गया था इधर उधर सब आ गया हमारे पास, हमसे पूछता है ना लोग, कुछ साफ कर दीजिएगा। करने वाला कौन, भाजपा के लोग। रेप कर दीजिएगा, कराने वाला कौन, भाजपा की सरकार। तो कम से कम नैतिकता नहीं है क्या, किसी भी बहन के साथ जो जुल्म करेगा क्या जनता से वोट देगी क्या? बात करते हैं, देखिए पूरा आक्रोश है, मणिपुर पूरा आक्रोशित है, मध्य प्रदेश से पूरा आक्रोशित है। अब हमारे लोगों को डर सता रहा है कि अगला राज्य किसका होगा। ठीक है गुरु जी, अगला भाजपा का राज क्या होगा? देखिए प्रधानमंत्री मोदी, देखिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और वो हमारे हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने बातें कही ये अशोभनीय है। इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। आप कह रहे हैं इंडिया मुजाहिदीन लगा देना या कोई भी आतंकवादी संगठन को इंडिया से जोड़ देना और उसका व्याख्यान हमारे प्रधानमंत्री करते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि मोदी जी को डर लग गया है, भाजपा के नेताओं को डर लग गया है कि इंडिया वर्सेज मोदी जो अभियान विपक्ष ने चलाया, जो राहुल जी ने चलाया, इसे बौखला गए हैं। अब हम लोग ये कहेंगे कि ललित मोदी वर्सेज मोदी, नीरव मोदी वर्सेज मोदी, तो नरेंद्र मोदी ललित मोदी नहीं हो सकता कभी, याद रखिएगा।